अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको व्रत के लिए, स्पेशली नवरात्रि व्रत या किसी भी व्रत के लिए, मैं आपको साबूदाना बड़ा की रेसिपी बताने जा रही हूं, जो कि बहुत इजी रेसिपी है और खाने में व्रत में बहुत ही मजा आता है, बहुत चटपटा लगता है। तो चलिए चलते हैं किचन में, बताते हैं कैसे बनते हैं साबूदाना बड़ा। आप यदि अभी अभी मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन दी हुई है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं किचन में, बताते हैं कैसे बनती है कुरकुरे साबूदाना बड़ा। तो देखिए, व्रत वाली नवरात्रि व्रत में या किसी भी व्रत में खाने वाली हमारी क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी साबूदाने की बड़ी बन गए हैं। देख सकते हैं आप, इसके आवाज सुन सकते हैं और मैं अंदर से इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर से कितनी अच्छी सॉफ्ट है। तो आप इसे बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। कुछ टिप्स और ट्रिक्स है साबूदाने को इस तरह से फुलाने के लिए, भिंगोने के लिए, तो उसे आप फॉलो करके इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये कुरकुरे साबूदाना के बड़े बनते हैं। तो देखिए, साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हाफ कप साबूदाने को, बड़े साइज वाले साबूदाने को हमने इस तरह से 2 घंटे भिंगो कर रखा था। और इसे भिंगाने की रेसिपी, इस तरह के खिले खिले साबूदाने किस तरह से भिंगाए जाएंगे इसकी रेसिपी आप मेरे साबूदाना खिचड़ी में देख सकते हैं। दो से तीन बार वॉश करना है इसे और लिमिट से पानी इसमें डालनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ये सॉफ्ट हुई है। देखिए, ये हाफ कप साबूदाना हमने ले लिया है। 3 आलू को हमने इस तरह से बॉइल्ड आलू को ग्रेट कर लिया है। 1/4 कप हमने ददरा मूंगफली को रोस्ट कर ददरा पीस लिया है। 1 इंच जिंजर को हमने ग्रेट कर लिया है, आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। कोरिएंडर लीफ 2 टेबल स्पून है चॉप। भुने जीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून गोटा जीरा है। सेंधा नमक है, स्वाद के अनुसार डालेंगे व्रत वाले नमक। और 1/2 टीस्पून हमने नींबू का रस लिया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो साबूदाने को एक बड़े से बोल में डाल लेंगे हम। देख सकते हैं कितनी खिली खिली है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, ये 1/2 टीस्पून जीरा भी डाल देते हैं। 1/2 सेना नमक, 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून नींबू का रस, हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया। ये जो आलू हमने ग्रेट करके रखा था, आप इसे बॉईल आलू को तोड़कर भी डाल सकते हैं। मैंने ग्रेट कर लिया है क्योंकि इसमें लम्स ना रहे, डाल दिया हमने 1/4 कप जो हमने भुने हुए बादाम का मूंगफली का पाउडर डाल देते हैं। सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इन सारी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, सारी चीजों को हाथों से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सारी चीजें अच्छी से मिक्स हो गई हैं और आप देख सकते हैं इसमें साबूदाना गोटे गोटे दिख रहे हैं। कुरकुरे बड़े बनाने का यही तरीका है। आप अधिक देर भिंगो कर रख देंगे तो ये स्टिकी भी हो जाएगी। तो चलिए हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और हाथ में थोड़ी सी तेल लगाकर इसके बड़े बना लेते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में हमने मूंगफली का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप यदि घी में इसे तलना चाहें, व्रत के लिए बना रहे तो जो भी खाते हो घी या रिफाइंड वाल बहुत से लोग खाते हैं, आप उसमें तल सकते हैं। हाथों को तेल से हमने ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से वॉश करके। अब 1 स्पून ले लीजिए या हाथों से भी आप उठा सकते हैं, जितने साइज के आपको बड़े बनाने हैं उसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखिए गोल करना है इसे। और इसमें आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो जो भी व्रत में आप नहीं खाते उसे स्किप भी कर सकते हैं और अपने साइज
हिसाब से जिस साइज के आपके बड़े बनाने हैं, बड़े या छोटे, इस तरह से बना लीजिए। तो इस तरह से पहले हम राउंड शेप में करेंगे, फिर हल्का सा प्रेस करके इसे इस तरह से चिपटा कर देंगे। देखिए इस तरह से राउंड किया हमने, इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से बना के मैं रख लेती हूँ जब तक हमारी ऑयल गर्म हो रही है। एक प्लेट में मैं इसे रखती जाऊंगी बनाकर। तो देखिए 4 से 5 बड़े हमने बना लिए हैं। चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारी गर्म हुई है नहीं। एक छोटा सा डो डालेंगे, ऑयल हमारी एकदम सही गर्म हुई है। देखिए डो हमारा ऊपर आ गया है। तो चलिए इसे डाल देती हूँ एक एक करके, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर तलना है, हाई फ्लेम पर नहीं तलना है। और एक साथ सारे बड़े नहीं डालने हैं हमें, 3, 4 या 5 बड़े आप ऐड कीजिए इसमें। तो मैंने 5 बड़े बनाए थे, 5 हमने डाल दिए। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट हो गए हैं इसे हमें डाले हुए। तो 1 मिनट के बाद ही मैं इसे पलटूंगी। देखिए ये हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई है। तो देखिए 5 मिनट हो गया है और इसे मैंने पलट पलट कर तल लिया है मीडियम फ्लेम पर। वाओ, कलर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और स्पैचुला को इस तरह से थोड़ा सा कढ़ाई में रोक लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें चली जाए। और ये साबुदाने के जो बड़े मैं बना रही हूँ आपको मैं दिखा दूंगी कि इसमें चिपचिपी ऑयल बिल्कुल नहीं दिखेगी और ऑयल अधिक लगी भी नहीं है। देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए और साबुदाने आपको व्हाइट व्हाइट दिख ही रहे हैं। इसे हमने निकाल लिया है, दूसरे वाले को भी डाल देते हैं। और थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। और भी हमने बना कर रखे थे, डाल देते हैं। तो देखिए सारे बड़ों को हमने दोनों तरफ से बिल्कुल ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। और आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। आधा कप साबुदाने में हमने 15 बड़े रेडी किए हैं और इसकी क्रिस्पीपन मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए हर तरफ से ये बहुत ही क्रिस्पी है और मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितनी अच्छी सॉफ्ट है। तो देखिए कितनी क्रिस्प बनी है तो आपने देख ही लिए। और मैं आपको तोड़कर अंदर से, देखिए मैं तोड़ रही हूँ फिर भी इसमें क्रिस्पीपन की, वाओ देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है ये। और इस बड़े को आप जरूरी नहीं कि आप व्रत में ही खाइए, किसी भी समय आप बनाकर खा सकते हैं। तो समय आप नॉर्मल सॉल्ट डालिए और जो भी मसाले आपको पसंद है, या इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं ऐसे बनाना हो तो। तो चलिए इसे बनाइए और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।